सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में परिवर्तन बस यात्रा निकाली जा रही है और आज ये परिवर्तन यात्रा पानीपत जा पहुंची। यूं तो यात्रा का आज अंतिम दिन था, लेकिन इस यात्रा को लेकर पानीपत में उत्साह कुछ कम ही नजर आया। सबसे पहले तो यात्रा का स्वागत करने पहुंचे समर्थकों में भी गुटबाजी नजर आई। समर्थक अपने अपने स्थानीय नेताओं के नारे लगाते नजर आए। वहीं यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस में किसी भी गुटबाजी से साफ इनकार कर दिया और कहा कि लोकसभा की सभी 10 सीटों को हम जीतने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश में कांग्रेस को लेकर अब माहौल बन चुका है। पूरे देश से लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। देश में परिवर्तन की एक नई लहर है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में परिवर्तन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी लोग सरकार के परिवर्तन का मन बना चुके हैं और प्रदेश में कांग्रेस के खाते 10 की 10 सीटें जाने वाली है। परिवर्तन यात्रा का आज पांचवा दिन है, कल आखिरी दिन है। परिवर्तन यात्रा का हमारा मकसद था कि लोगों में जागृति लाना कि परिवर्तन की जरूरत है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग तंग आ गए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लेकिन हमने यहाँ हरियाणा में देखा लोग तो हमसे भी ज्यादा उत्साहित। इतना उत्साह है कि हर प्रोग्राम रात के 12 बजे और 1 बजे सुबह के खत्म हो जाता है। बहुत उत्साह है लोगों के अंदर और लोग परिवर्तन चाहते हैं। 10 की 10 सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। बहुत हर वर्ग का समर्थन मिला आज, व्यापारी कर्मचारियों का भी मिला, किसान मजदूर गरीब का भी मिला और छत्तीस बिरादरी आतुर है कि इस राज को बदल करके प्रदेश और देश में राहुल जी के नेतृत्व में परिवर्तन लेकर के आए। पानीपत से विपुल जग्गा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।